कि पहले मेरे साथ हुआ क्या है, मेरे कीमती बाल है ना, इतना दुख होता है ना, कुछ रह रहा है, कुछ रह रहा है। मुझे आया हॉस्पिटल से कॉल, अब उसकी क्या सिचुएशन है। हाँ, बहुत अच्छा लगेगा, मम्मी पकड़ेगी अपने बच्चे को। गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सब, होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो गाइज अभी बज रहे हैं दोपहर के 2:30 और आज का व्लॉग दोपहर के 2:30 बजे शुरू हो रहा है। तो बस मैंने और पायल ने शावर ले लिया और ना शावर लेने के बाद ना मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ ना, तो मैंने सोचा एक काम करती हूँ, बहुत दिन से बोल रही हूँ मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है, तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि पहले मेरे साथ हुआ क्या है। तो यहाँ पे मम्मी की बेटी रानी मम्मा के साथ है, क्योंकि ये नीचे लेटी हुई थी तो रोने लग गई थी, तो मम्मा की गोदी में आना था, आराम से चुप है, इसको मम्मा की गोदी चाहिए थी। तुबा शोने। तो गाइस मेरे साथ ना ये हो रहा है, मेरे कीमती बाल है ना वो इतने निकल रहे हैं कि मैंने सोचा आज ना फर्श पे कंघी करके देख ही लेती हूँ कितने निकल रहे हैं, और इतना दुख होता है ना, इनको बढ़ने में इतना टाइम लगता है और निकलने में देखो कुछ सेकंड। तो मेरी जो मेडिसिन है ना वो मैंने दोनों साइड लगाई थी, तो यहाँ पर बाल आने में ना थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर जब तक बाल आते ही नहीं है ना तब तक ना मैं आप लोगों से मेडिसिन अभी शेयर नहीं करूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि पहले रिजल्ट आ जाए, क्योंकि एक बार पहले भी रिजल्ट आ चुका है, रिजल्ट आने के बाद ही शेयर करती हूँ। और इतना दुख हो रहा है ना मुझे, मेरे बाल गिर रहे हैं, उतर रहे हैं, ऐसे लग रहा है बाल बचेंगे नहीं, क्योंकि देखो पहले एक हाथ में ना इतने सारे बाल हुए करते थे, अब बहुत ही कम बाल बचे हैं, बहुत ही कम, मुट्ठी भर के बाल निकलेगा इस मुट्ठी भर के। भैया यहाँ पर आ गया बहुत ही मजेदार खाना, खाना खा के थोड़ी देर सोऊंगा, उसके बाद जाना मुझे किसी काम से बाहर। तो गाइस आज सुबह से ना मैंने व्लॉग ही नहीं लिया है, क्योंकि हम लोग ना आज सुबह सोचे थे कि व्लॉग आज स्किप कर देते, नहीं बनाते, फिर एक है ना रूटीन बन जाता है इंसान का ना, कि फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि यार कुछ रह रहा है, कुछ रह रहा है, कुछ रह रहा है, तो मैंने फिर से गोलू को बोला कि चला यार व्लॉग बना ही लेते हैं। तो आज मैंने ना बहुत प्यारी सी जो कल ये कुर्ती मैंने ली थी ना मैक्स से, वो मैंने पहनी है। तो ये है मेरी पूरी कुर्ती का लुक, जो कि मुझे तो बहुत सुंदर लगी गाइस, और प्राइस वाइज भी बहुत अच्छी है, और कॉटन का कपड़ा है, हल्की थोड़ी लूज है, लूज लूज रखी है। और ये वाली जो ज्वेलरी है ना, ये मैंने आई कैंडी से ऑर्डर की थी, इसके इयररिंग्स भी मैंने पहने हैं कान में, और पेंडेंट भी पहना है, क्योंकि मेरा मंगलसूत्र जो है ना वो मैं रख के भूल गई, पता नहीं कहाँ रखा है, वो ढूंढना पड़ेगा। तो मैंने फिलहाल गला खाली ना दिखे इसलिए ये पहना है, और हल्का सा टचअप भी किया है, आज काफी टाइम बाद जो है ना मैंने मेकअप किया है। और इतने दिनों बाद ना हम दोनों इकट्ठे खाना खा रहे, क्योंकि सुबह से टाइम ही नहीं मिला था खाना खाने का, तो अब खा रहे खाना, और साथ में मम्मी जी ने अचार दिया था, लखनीत की मम्मी ने, तो अचार बहुत टेस्टी है। मेरी बेटी कैसी है, कैसी है, बताइयो योना गुगा। तो गाइस बहुत 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 तेज बारिश आ रही है, बहुत तेज, ओहो मेरा कैमरा गीला हो जाता। तो गाइस मौसम इतना प्यारा हो रहा है ना, बहुत ही मस्त बारिश आ रही है, बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है। मैं हल्का सा बाहर जाने की कोशिश कर रही थी, मतलब विदाउट कैमरा मैं बाहर जा सकती हूँ, विद कैमरा नहीं, कैमरा हो जाएगा खराब। और बच्चों के जितने भी कपड़े थे ना बाहर से ना बिल्कुल सही टाइम पे उतार लिए, कपड़े बिल्कुल भी भीगे नहीं, थोड़े बहुत मतलब ज्यादा नहीं, थोड़े बहुत कपड़े जो गीले हो गए ना उनको मैं बाहर शिफ्ट कर देती हूँ। और गाइस मैंने ना ये कुर्ती पहनी है ब्लू वाली और पिंक कलर की, बहुत ही अच्छी लग रही है घर में पहनने के लिए, एकदम कंफर्टेबल। तो मैं और पायल क्या करते हैं ना, डेली नाइट सूट पहन के घर पे रहते हैं ना, तो बहुत अजीब लगता है, तो अपना क्या है हमने ऐसी कंफर्टेबल कुर्तीज ले ली है, तो ये कुर्ती बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत ज्यादा, तो अब यही पहन के रहेंगे। और ना ये जो कुर्ती है ना मीडियम है, हमने सारी कुर्ती मीडियम साइज के लिए, बट कुछ मीडियम मुझे आ रही है, कुछ मीडियम मुझे टाइट है, शायद कपड़े कपड़े का फर्क है। तो उनमें से 3 से 4 कुर्ती है जो हमने बाहर निकाल के रख ली है, कि भी मैक्स जाएंगे, मैक्स जाके ना चेंज करवा लेंगे। और गाइज एक बात और, मैंने और पायल ने ना मैक्स का हॉल बनाया है टॉक विद कृतिका एंड पायल पे, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, जाके जरूर चेक करना। हमने जो कुर्तीज है सारी कुर्ती 1 by 1 वेयर करी है, और उसके फैब्रिक का बताया, और बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे हमने कुर्तीज ली है, और आप लोग भी ले सकते हो, बहुत ही प्यारी कुर्ती थी, सारी कुर्तीज विद लेगिंग्स पहनी है। और वो वाला जो हॉल है ना प्लीज आप मिस मत करना, जरूर देखना, ये हमारा फर्स्ट हॉल है। और अगर आप लोगों को अच्छा लगा ना तो प्लीज हॉल को जितना हो सके शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और हम जितनी भी ना ऐसी चीजें जो सस्ती और अफोर्डेबल हो ना वैसे वाले हॉल्स बनाए करेंगे और आप लोगों के लिए लेकर आएंगे, ताकि आप लोग भी ले सको। और साथ ही साथ ना कुछ किचन के भी हॉल्स लेकर आएंगे, कि किचन के जो आइटम्स है उसके अंदर हम क्या क्या चीजें ले सकते हैं जो कि यूजफुल भी हो और साथ में अफोर्डेबल भी हो। तो गाइज अभी फाइनली टाइम मिला है हमें घर से बाहर निकलने का, और घर से बाहर क्यों निकल रहे वो मैं बाद में बताती हूँ। और अभी आई थी दीक्षा और भैया और उनका बेटा आया था जैद को मिलने के लिए, उनके साथ बैठे बैठे आधा पौना घंटा बीत गया, अब बच्चों को तीनों को सुलाया है, अब हम निकल रहे हैं बाहर, निकल रहे हैं कहाँ के लिए वो मैं आपको आगे बताऊंगी। दीक्षा का ही फोन आ गया। तो गाइज एक बहुत ही ज्यादा खुशखबरी की बात है जो आप लोगों को देनी है, मैं घर से बाहर अभी इसलिए निकली हूँ, मुझे आया हॉस्पिटल से कॉल उन आंटी का, जिनका जो 1 किलो का बेबी था वो जो है आज निकुस से उसको छुट्टी मिल रही है, वो अपनी मम्मी के पास जा रहा है, तो वहाँ पे जो भी क्लियर करना है उनका बिल क्लियर करना है, तो उन्होंने हमें बुलाया, बस हम मैं और गोलू वहीं जा रहे हैं, और जाके आपको बच्चों से मिलवाती हूँ, और हो सका तो उनकी मम्मा से भी आपको मिलवाती हूँ, ताकि आप लोग भी देख सके कि वो बच्चा जो है अब उसकी क्या सिचुएशन है, पहले से ठीक है कि नहीं है, वो सब आप भी देख लो। बस अभी जस्ट हॉस्पिटल पहुँच रहे हैं, हॉस्पिटल पहुँच के आपको मैं अपडेट देती हूँ उस बच्चे की। और ना डॉक्टर से ना ये बात भी मैंने पूछी कि जो बेबी है वो सिचुएशन उसकी ठीक है, तो डॉक्टर ने बोला कि हम ना उसे तभी डिस्चार्ज करेंगे जब बेबी पूरी तरीके से ना
मदर फीड पर आ जाएगा, क्योंकि क्या उसकी जो मदर है वो फीड भिजवा रही थी घर से, दादी के हाथ भिजवा रही थी। अब वो धीरे धीरे ना मतलब हर दिन उसकी जो क्वांटिटी थी बढ़ रही थी, जैसे पहले वो 10 ml पर पी रहा था, 20 ml पी रहा था, तो अब वो प्रॉपर मदर फीड पे आ गया है। तो बस मुझे बहुत ज्यादा खुशी है और उनकी मम्मी को उससे भी ज्यादा खुशी होगी। देखो होता ही है, बच्चे को जब हम डिलीवर करते हैं ना 9 महीने पेट में रखते हैं, तो होता है कि हमारा बच्चा हमारी गोदी में आए, वो जो मोमेंट होता है ना, वो ऐसा मोमेंट होता है हर एक माँ के लिए ना बहुत स्पेशल होता है, कि जब बच्चा फर्स्ट टाइम उसकी गोदी में आता है। और उसकी जो मम्मा थी, चलो कोई बात नहीं बच्चा निकू मेरा, पर एटलीस्ट उसकी हेल्थ कंडीशन सही होगी, बस आज वो मम्मी के पास चला जाएगा। और उसकी मम्मी पायल, उनकी मम्मी को रात को नींद नहीं आएगी, आज वो पूरी रात बच्चे को देखेगी। हाँ बहुत अच्छा लगेगा, मम्मी पकड़ेगी अपने बच्चे को। और बीच में उस बच्चे की ना थोड़ी हालत खराब हो गई थी, सांस लेने में दिक्कत आ गई थी, तो पूरा जो हॉस्पिटल ना वो थोड़ा परेशान हो गया था, क्योंकि बच्चा जो है सांस नहीं ले पा रहा था। लेकिन आप लोगों की दुआओं ने काम किया और साथ में भगवान जी ने उसको जो है संभाला, और वो बच्चा आज अपनी माँ के घर जा रहा है। हैट्स ऑफ है आपकी दुआओं के लिए, जो भगवान आपकी दुआएं पूरी करता है और हम पे कष्ट आने वाले कष्ट जो है वो दूर हो जाते हैं। तो गाइस फाइनली बच्चे की डिस्चार्ज समरी हमें मिल गई है, बस अब हम बिल पे कर रहे हैं और बच्चे को लेके जा रहे हैं उसके घर, उसकी मम्मा से मिलवानी। तो यहाँ पे जो है हॉस्पिटल की तरफ से भी बहुत ज्यादा योगदान मिला है, 8000 का डिस्काउंट दिया उन्होंने भी पूरे बिल पे। बस फटाफट से बिल पे करते हैं और लेके चलते हैं आपको उसकी माँ से मिलवाते हैं। तो गाइस फाइनली ये बेबी है, अब इसका नाम रखा उन्होंने, कुछ नाम नहीं रखा है, तो इसका आज नामकरण भी हम करवा के जाएंगे, अपनी तरफ से एक नाम देके जाएंगे। और इसकी दादी ने इसके लिए कपड़े भेजे हैं, जो कि इसे बहुत बड़े हो रहे हैं, पिंक कलर के कपड़े, का कंबल है, पिंक कलर के कपड़े हैं। बेबी आज आप जाओगे अपनी मम्मा के पास, आज जाओगे आप अपनी मम्मा के पास। अरे आपने मिटन शू पहनी है, कितने कुछ ऊपर लग रहे हो आप। छोटू शबाब, हमने सैनिटाइज किया है पहले आते ही, तो चलो अब इसको डिस्चार्ज कराते हैं, उसकी मम्मा के पास इसको लेके चलते हैं। तो गाइस बस अभी रात के 10 बज गए हैं और ना हम लोग वेट कर रहे हैं, उनकी जो दादी है ना ऊपर गई है बेबी को लेने के लिए, तो हम लोग नीचे बैठे, क्योंकि देखो बार बार निक्कू में भी नहीं जा सकते, एक बार हम निक्कू में चले गए थे, बस वो आने वाले जैसे वो आते हैं, और बाहर का मौसम भी ऐसे हो रहा है। हमने उनसे पूछा कि आप बेबी को कैसे लेके जाओगे, तो उनके पास कोई कन्वीनियंस भी नहीं थी, वो कहते हैं बाइक पर कन्वेंस भी नहीं थी, तो उन्होंने बोला हम बाइक पर लेके जा रहे हैं, बट फिर हमने बोला कि नहीं हम कार में छोड़ देंगे, ये मेरे पे हंस रहे हैं। एक्चुअली बच्चा बहुत छोटा है और बारिश का मौसम है, अभी अभी बारिश होके ना आती है, तो ना हम लोग गाड़ी से छोड़ के हैं बच्चे को, दादी को हम अपनी गाड़ी में उठा लेंगे, भैया बाइक लेके जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, फाइनली हम बेबी को लेके जा रहे हैं उसकी मम्मी से मिलवाने के लिए, और सच में बेबी का वेट बहुत ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा ऐसे लग रहा है मैंने कॉटन को हाथ में लिया हुआ है इतना ज्यादा, जबकि उसने अभी ब्लैंकेट भी ओढ़ा हुआ है, कपड़े भी ओढ़े हुए हैं, मतलब पहने हुए हैं, तब भी वेट बिल्कुल कम है। गाड़ी में बैठ जाओ भैया, आप बाइक पर आ जाओ, कितनी दूर है घर आपका? एक किलोमीटर। एक किलोमीटर, आ जाओ आ जाओ बैठो आंटी। तो यहाँ पे हमारे ना क्यूट सब्सक्राइबर्स मिल गए हैं, तो अभी एक लेडी मिली है, इनकी बेबी को ना बहुत तेज ना फीवर हो गया, 1 ईयर का बेबी और बहुत तेज फीवर हो गया, अचानक से कांपने लग गया, तो बस ये लोग यहाँ पे आए हुए थे दिखाने के लिए। तो सबसे पहले डॉक्टर ने हमें ये बोला है कि इस बच्चे को 4 हफ्ते बाद वापस लेके आना है हॉस्पिटल, क्योंकि ये बच्चा प्रीटम है ना, तो कहते हैं कि बच्चों की जो प्रीटम बच्चे होते हैं तो उनकी सुनने में वो दिक्कत भी आ सकती है, देखने में भी दिक्कत आ सकती है, तो इसकी आई का चेकअप होगा और ईयर का भी चेकअप होगा कि ये मतलब ठीक से देख पा रहा है कि नहीं देख पा रहा है, 4 हफ्ते बाद आपको वापस लेके आना है। और दूसरा मैंने अभी आंटी से पूछा कि इसके जो डैडी थे मतलब उनका देहांत कब हुआ और कैसे हुआ, तो उन्होंने बताया कि 4 महीने पहले ही उनका देहांत हुआ, मतलब अपने बच्चे को देख भी नहीं पाए, मतलब 4 महीने पहले इसके पापा की डेथ हुई थी। तो कैसे भैया का हो गया था? ये अपने डैडी की वो करने गए थे, होली करने गए थे। अच्छा हाँ, तो मोटरसाइकिल से जा रहे थे, शांति दे, देखो सच में यार पायल, क्या पता आपका बेटे के रूप में आया है, है ना, ये भी हो सकता है। चलो इसकी बस अच्छे से सेवा करना, क्योंकि बहुत ज्यादा वीक है ना, और हमसे जितना बन पाएगा हम आगे भी करेंगे। आंटी बस ना पहले 3 से 6 मतलब लगा लो पहले 6 महीने ना बच्चों के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारे घर में बच्चे हैं ना आंटी, तो गाइस बच्चा पहली बार आया ना, आंटी को पता नहीं था, मैंने कहा आंटी जाके तेल बिल लेके आओ, फिर किस लिए, मैंने कहा गेट पे डालो बच्चा पहली बार आया, तो आंटी जा रही है सरसों का तेल लेके, 2 मिनट रुको सरसों का तेल आने दो भैया, 2 मिनट रुको, 2 मिनट तेल लेके आ रहे हैं। शोनी घर पे आ गई यार, ये आंख नहीं खोल जब से, वैसे नहीं एक बात है, पहले हम लड़कों को शोनी बोलते हैं और लड़कियों को बोलते हैं शोना, भाभी आज नोटिस पकड़ता होगा, नहीं भैया अभी बहुत छोटा है, निकू मेरा है ना 9 दिन, बहुत छोटा है, टाइम लगेगा भैया, सब कुछ करेगा पर टाइम लगेगा। आ गई दादी आ गई, दोनों तरफ कोने पे कर दो, यहाँ और यहाँ, तो 9 दिन बाद ही आओगे, 2 दिन में हाँ, मतलब देख के आई थी कल में गई।
कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है वैसे तो, अच्छा बच्चा अपना पास आ गया अपना। ये तो है ही, इसकी केयर बहुत करनी पड़ेगी आपको। कुछ काम तो नहीं करते ना, घर में रहते हो ना? हाँ घर पे रहते हैं। बस इसका ध्यान रखना, देखो बाकी आपके दो बच्चे हमें आपको सब कुछ पता होगा, पर फिर भी हाँ कुछ ध्यान रखना इसका। बाकी दो बच्चे का है ये? हेलो हेलो करो, ये भी लड़का है। अच्छा ये लड़का है, मैं कह रही हूँ मेरी जो बेटी है ना वो भी थोड़ी अपनी मेच्योर हुई थी, छोटी हुई थी, तो उसके कपड़े इसको आ जाएंगे तो वो लेके आऊंगी। वैसे तो आपने अभी भी बेबी वाले कपड़े बना रखे, लड़की वाले। वैसे लड़के वाले भी है, मैं दोनों ले आऊंगी, ठीक है? और कोई जरूरत पड़े तो मुझे फोन करना। कोई ना, वैसे इतना ही बहुत करा तुमने, बहुत करा। नहीं, 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 बहुत है। देखो कोई बात नहीं, देखो होता है ना कि दाने दाने पे लिखा है ना पर, तो खाने बस, वाले का। हाँ तो बस ऐसी होता है, ऊपर वाले ने इसकी किस्मत ऊपर वाले ने लिखी हुई, बस हो गया। चलो ठीक है, चलो ध्यान रखना। अच्छा एक चीज रह गई, हमने इसे प्यार से नाम देना था। हाँ शगन भी देंगे, बिल्कुल देंगे। प्यार से हमारा एक नाम रह गया था, पर नाम तो बता। तुमने क्या सोचा इसका नाम? सोचा नहीं, आप ही रख दो। इसका ना जन्म मतलब टाइम बता देना, डेट बता देना, ठीक है? मैं अपने पंडित जी से जन्म कुंडली बनवा के ना इसका नामकरण मैं बता दूंगी, किस नाम से निकलेगा फिर रख लेना, ठीक है सर? ठीक है, बाय। तो गाइस बच्चों को माँ के पास छोड़ दिया था और हम आ गए थे घर। तो ना मैं हनुमान जी से एक चीज बहुत अच्छी सीखी है कि जब भी किसी जिम्मेदारी लो ना पूरा करने की, तो उसे पूरा करके ही दम लेना चाहिए। तो आज जो हमने जिम्मेदारी ली थी उस बच्चे को उसकी माँ तक पहुँचा दिया है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो बस आप लोग भी दुआ करते रहना कि वो अब ठीक रहे अपनी माँ के पास। और बस इस ब्लॉग को यही एंड करते, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।